ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड, मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र स्थित छाया नगर के लोग दहशत में हैं। वैसे इनके दहशत का कारण ब्राउन शुगर और ड्रग्स है। आपको बता दें कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, जहां ड्रग्स के कारोबारी खुलेआम लोगों को धमकियां भी दे रही है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि खुलेआम गोली चलाकर क्षेत्र में भय का माहौल बना रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं। वैसे इसकी सूचना इनके द्वारा सीताराम डेरा थाना क्षेत्र पुलिस को दे दी गई है। हमारा वहाँ पर ड्रग्स का कारोबार कर रहा है, छाया नगर से हम लोग आए हैं। हम लोगों ने मना किया कि हमारा छोटे छोटे बच्चा, हमारा आने वाला भविष्य खराब हो जाएगा, ये सब बंद करो। तो उन्होंने हम लोगों के ऊपर गाली गुलज, लड़ाई झगड़ा करना कोशिश किया। एक दिन लड़ाई झगड़ा किया, मतलब गाली गुलज किया। तो हम लोगों ने सीताराम थाना में हम लोगों ने कंप्लेन दिया। कंप्लेन करने के बाद हम लोगों ने दूसरा दिन आए, तो दूसरा दिन वही लोग कुछ गुंडे बुला के गोली फायरिंग किया। रात को दो बार फायरिंग किया और बोला गया अब अगली बार यदि कंप्लेन करोगे तो घर से निकाल के सबको जान से मार देंगे, प्लस घर में बम लगा के उड़ा देंगे। और सारा जितना हमारा लाइन पे घर है, सारा घर को दिखलाया। और अभी हम लोग रात को हम लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि जितना लोग आते हैं सबके पास हथियार रहता है और बोलता है जो सामने में रहेगा उसको मारेंगे। झारखंड सरकार के पर्यटन एवं कला विभाग द्वारा पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन झारखंड सरकार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की। इधर यह महोत्सव 2 मार्च तक चलेगा, वहीं जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं के साथ शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल हुए। महोत्सव का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। जो आज हम लोग इसमें साहसिक पर्यावरण महोत्सव मना रहे हैं, ये एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, सोच है। और हमारा ये सोच है कि जो हमने कहा कि ग्रामीण बच्चे जो हैं वो बेहतर तैराक होते हैं, ना उनके पास कोई इक्विपमेंट है, ना उनके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, लेकिन रात 10 बजे भी एक गरीब बच्चा जो है वो किसी न किसी की जान बचा देता है। तो हमारा ये कहना है कि चूँकि ये एक झारखंड में पर्यावरण का बहुत असीम संभावनाएँ हैं, और असीम संभावनाओं के तहत यदि हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन और सोच है उसके हिसाब से यदि हम लोग सभी क्षेत्रों में हमारे जितने संसाधन हैं उसी का यदि बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो हम समझते हैं कि एक नए झारखंड को बनाने का हम काम करेंगे। ये कार्यक्रम यहाँ 29 तारीख से लेकर के 2 मार्च तक चलेगा और प्रातः 8 बजे से लेकर के सायं 5 बजे तक इसमें विभिन्न गतिविधियाँ की जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे यहाँ के विद्यार्थी और दूर दराज के क्षेत्र के जो हमारे रहने वाले और विशेष करके छात्रावासों की जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, उनको एक अवसर प्रदान करना, जो कि अवसर सामान्य तौर पर शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद भी उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। जो रॉक बेस्ड एक्टिविटीज हैं उसमें रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, कमांडो वॉकिंग इत्यादि सम्मिलित हैं। रॉक क्लाइंबिंग का भी यहाँ पर 2 सेट तैयार किया गया है, एक आर्टिफिशियल सेटअप यहाँ तैयार किया गया है प्लाई और रोप के मदद से, और दूसरा जो रियल रॉक है उसके पास भी उसका सेटअप एक तैयार करके रखा गया है। इसके साथ साथ वाटर बेस्ड एक्टिविटीज है जिसमें कि बनाना बोट, कयाकिंग, स्पीड बोट, मोटर बोट इत्यादि सम्मिलित हैं। जमशेदपुर के सामाजिक क्लब की ओर से साक्षी स्थित बंगाल क्लब में 2 दिवसीय हस्तशिल्प मेला का शुभारंभ किया गया। मेले का उद्घाटन जियाडा की क्षेत्रीय निदेशक रंजना मिश्रा ने किया। इस दौरान रंजना मिश्रा ने महिलाओं के प्रयासों की जमकर सराहना की। আমরা 2 দিনের জন্য একটি মেলার আয়োজন করেছি ইনারভিল ক্লাব অফ জামশেদপুর ওয়েস্টের তরফ থেকে বেঙ্গল ক্লাব সাক্ষীতে হোলি এবং পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে। এই মেলায় যারা যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা সবাই মহিলা। আমাদের ক্লাবটিও একটি ইন্টারন্যাশনাল মহিলা সংগঠন, আমরা সমাজসেবার কাজ করি। এই মেলায় মহিলারা বিভিন্ন স্টল দিয়েছেন এবং সেই স্টলে শাড়ি, ড্রেস মেটেরিয়াল, ড্রেসেস, হোম ডেকর, জুয়েলারি, হোমমেড চকোলেট, হোমমেড ড্রাই ফুড, হার্বাল কালার, এই সমস্ত পাওয়া যাচ্ছে। SGIHM Institute of Hotel Management Registered by Government of India Club Course एवं Diploma Course Practical Class की सुविधा एवं 100% Job Placement करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management
करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, थर्ड फ्लोर DH स्टेट सेंटर नियर राम मंदिर ऑपोजिट बंधन बैंक बिस्टपुर जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। फुटपाथ दुकानदारों को पुलिस और दबंगों का दंश झेलना पड़ता है, वैसे इन फुटपाथी दुकानदारों को उनके अधिकार कैसे मिले, इसको लेकर आज एक बैठक की गई। इस बैठक में जिला प्रशासन के माध्यम से इन दुकानदारों ने सरकार से मांग की है कि वेंडर जोन बनाया जाए और साथ ही वेंडर सर्टिफिकेट भी जारी किया जाए, ताकि इनके और इनके पूरे परिवार का जीवन जीविका चल सके। वेंडर जोन और वेंडर सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण कभी पुलिस परेशान करती है, कभी दबंग इनके साथ जोर जबरदस्ती करता है। हालांकि 2016 में वेंडर जोन और वेंडर सर्टिफिकेट को लेकर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था, लेकिन वह अध्यादेश सरकारी दफ्तरों में सिमट कर रह गया है। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के हैं कि भारत सरकार ने 2014 में फुटपाथ दुकानदारों को नियमित करने के लिए, उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए 2014 में एक कानून बना था। उसके तर्ज पे झारखंड में 2015 में नियमावली बनी, 2017 में स्कीम भी बनी, वेंडर्स को आइडेंटिटी कार्ड, वेंडर्स का सर्वेक्षण भी हुआ, लेकिन सर्वेक्षण के उपरांत अभी तक भी जो है सारे वेंडर्स को आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया गया है, वेंडिंग सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, वेंडिंग का क्षेत्र जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है, जिसका नतीजा ये होता है कि वेंडर्स जो है वो थ्रेट में ज़िंदगी जी रहे हैं। कभी कोई भी आके इनको हटा देता है, कभी वन विभाग हटा देता है, कभी पुलिस हटा देती है, तो इनकी आजीविका जो है सुरक्षित नहीं हो पाती है। सरायकेला खरसा जिले के चांडिल थाना पुलिस ने लूट कांड के मामले का खुलासा किया। सरायकेला खरसा जिले के चांडिल थाना पुलिस ने लूट कांड के मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल व अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 3 फरवरी को आदितपुर के जमलापुर निवासी मनोज दास नामक युवक के साथ मनीकुई रेलवे ट्रैक के समीप 2 अज्ञात अपराध कर्मियों ने छीनताई और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें मनोज दास की मोटरसाइकिल, मोबाइल व अन्य सामानों को अपराधियों ने लूट लिया था। इनकी शिकायत के बाद चांडिल थाना पुलिस ने तथ्यों के आधार पर जांच करते हुए मामले से जुड़े 3 अपराध कर्मियों संदीप दास, परदेसी मैली और बुद्धेश्वर हंसदा को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन कर दिया है। मामला है कि चांडिल थाना अंतर्गत 3 फरवरी को मनोज कुमार दास हारोडी मेला घूमकर जब अपने घर लौट रहे थे, तो 3 कुछ अपराध अज्ञात कर्मियों ने उनसे उनकी बाइक लूट ली थी। उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको उनकी बाइक लूट ली थी और उनके कुछ पैसे और अन्य सामान भी लूट लिए थे। तो इस संबंध में चांडिल थाना कांड संख्या 31/2020 दर्ज किया गया था लूट के अंतर्गत, और कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। कांड के अनुसंधान के क्रम में कांड का उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल 3 अपराध कर्मियों संदीप दास, परदेसी महाली और बुद्धेश्वर हांसदा को गिरफ्तार कर लिया गया है, और वादी से उनकी लूटी गई मोटरसाइकिल को अपराध कर्मियों के पास से सही सलामत हालत में बरामद कर लिया गया है। इसमें से एक संदीप दास है, जिसका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी रहा है, जो पहले चोरी वगैरह के कांड में जेल जा चुका है, और अन्य अपराध कर्मियों के आपराधिक इतिहास भी हम देखते हैं। तीनों 2 चांडिल थाना अंतर्गत से गिरफ्तार हुआ, 1 कांडा थाना अंतर्गत से गिरफ्तार हुआ। इस मामले में अगर अभी तक तो 3 ही लोग शामिल थे इस मामले में, तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 साल पहले दिल्ली के निर्भया के तर्ज पर जमशेदपुर में भी एक युवती हवस का शिकार हुई थी, जिनका नाम था मौसमी चौधरी। पिछले 11 सालों से मौसमी को इंसाफ दिलाने के लिए उसकी मां न्यायालय का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन आज तक मौसमी के हत्यारों को सजा नहीं मिल सके, जबकि इस मामले की जांच का जिम्मा CBI के पास में है। वहीं CBI को मौसमी की मां ने आड़े हाथ लिया और कहा कि CBI बिकाऊ है और पूरे जांच में CBI ही रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। साक्षी गोलचक्कर पर अपनी बेटी के इंसाफ के लिए धरने पर बैठी मां अपनी दुखों का दास्तान बताते बताते बेहोश होकर गिर गई। मौसमी की मां ने बताया कि उनकी बेटी दुष्कर्म कर हत्या बिस्टुपुर के सोनेट होटल में कर दी गई थी, जिसमें टाटा स्टील के कई नामी गिरामी अधिकारी और होटल के मालिक की संलिप्तता है, लेकिन आज तक CBI इसका खुलासा नहीं कर सकी। उन्होंने PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगा है। वहीं मौसमी चौधरी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों में से रामकांत ओझा भी शामिल है, जो शुरू से ही मौसमी चौधरी को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज से 11 साल पहले 9 मई 2009 अरेस्टेड मौसमी चौधरी की होटल सोनेट में हत्या हुई थी, जिसमें बड़े बड़े लोग, टाटा के बड़े चेयरमैन पार्थ सेन गुप्ता, होटल के मालिक रवि भी पारिक, अतुल टंग, धीरज भी, स्वरूप चक्रवर्ती, ये सब मिल के मेरी बेटी मौसमी चौधरी को बलात्कार कर हत्या कर डाला था, क्योंकि इन्होंने अपने इस होटल में लड़कियों को गलत
दिशा दिखाई जाती है उस दिशा में मेरी बेटी लिप्त होने से इनकार किया था, जिसको बहाना छुट्टी के तहत शनिवार को सुबह बुलाकर इसकी हत्या बलात्कार कर इसकी हत्या कर दी गई। मैं उस 2009 से आज 2020 तक एक अभागा माँ, एक गरीब माँ दर बदर भटक रही हूँ न्याय के लिए। यही मेरी अर्निंग मेंबर थी, ट्यूशन करके ट्रेनिंग करके मेरी संसार चलाती थी। आज मैं रोड में आ गई हूँ। मेरे साथ एक पूरे जमशेदपुर में एक ही जना है जो बाबा राधाकांत ओझा जो मेरे साथ दे रहे हैं। दो बार CBI जांच हुआ, जब हाईकोर्ट से आपका चीफ जस्टिस ज्ञान सुंदर समय 2009 में चीफ जस्टिस ज्ञान सुंदर मिश्रा तो उन्होंने CBI की जांच कराने बोली। CBI विश्वसनीय संस्था मानी जाती है। आज एक माँ यह ब्लेम लगाती कि CBI सबसे बड़ा बिकाऊ है। पोर्टकर झारखंड सरकार के निर्देश पर आज टांगराइन पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी कपिल कुमार, पोर्टकर प्रमुख सुकुमानी टुडू उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जन समस्याओं को उलझाने के लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे उसको लेकर विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। उसमें सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान का प्रयास कर रहे हैं। सरकार आपका द्वार चलाया जा रहा है, पंचायत पंचायत बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। और जितना भी पहले विकलांग, विधवा, वृद्धा और राशन कार्ड वगैरह बनने में बहुत ही दिक्कत आ रहा था। बहुत कोई ऐसे है कि प्रखंड जाने नहीं सक रहे थे, तो आज ये सरकार आपका द्वारा प्रोग्राम चल रहा है, इसमें सारे विभाग पहुंच रहे हैं और सबका जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड वगैरह सब बन रहा है और आगे भी ऐसे ही। अवैध बालू का उत्खनन जारी है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद जिले में अवैध बालू का कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार अवैध बालू लदे ट्रक, 407 वाहन और ट्रैक्टर को जब्त कर रही है। इसके बाद भी बालू माफिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जिले में लगातार अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल भी निरसा क्षेत्र में बालू की गाड़ी जब्त किया गया था माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। इसी कड़ी में आज हीरापुर में भी करीब 20 गाड़ियों से अधिक गाड़ियों को पकड़ा गया, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ये अभियान सुबह से ही चल रही है नहीं? हाँ, लगभग कितने 20 गाड़ी लगभग। IIT ISM के पैन मैन सभागार में नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों से आए बच्चों को स्टार्टअप के जरिए कैसे जॉब ओरिएंट बन सकते हैं इनकी जानकारी दी गई। आयोजक अरुण कुमार ने बताया कि स्टार्टअप के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है, इसमें 1-10 साल का बच्चा और 80 साल के बुजुर्ग भी आ सकते हैं। एक्चुअली स्टार्टअप के ऊपर है, नेशनल लेवल का स्टार्टअप इवेंट हो रहा है पहली बार धनबाद में, खास करके ISM में, जो ओपन फॉर ऑल है, सबके लिए। मतलब इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी वर्ग का, किसी भी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आदमी आ सकता है, चाहे वो IIT का हो चाहे बाहर का हो, कोई एज नहीं है। 10 साल का बच्चा भी आ सकता है, 80 साल का बुजुर्ग भी आ सकता है। तो इस इवेंट को इसलिए कराया जा रहा है ताकि स्टार्टअप जो है, जो गवर्नमेंट चाहती है, जो केंद्र सरकार चाहती है कि स्टार्टअप के थ्रू नौकरियाँ जनरेट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। कहीं ना कहीं अगर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है तो अगर नए नए आइडियाज़ आएंगे किसी भी क्षेत्र में आएंगे तो क्या होगा, उससे उसका खुद का भी विकास होगा, समाज का भी भला होगा और देश का भला ऑटोमेटिक हो जाएगा।
किस तरह का ये रोजगार का आइडिया एक दो किसी भी क्षेत्र का? आप जिस तरह आया होंगे तो आप बताइए। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपका, जैसे कि यहाँ पे एक साफ सफाई का आया हुआ है, योगा का आया हुआ है, आपका महिला सशक्तिकरण उस पर भी आया हुआ है, इसके अलावा कुछ आपका पॉल्यूशन के ऊपर भी आया हुआ है कि जैसे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है, तो कुछ वो लोग एक नया एक इनोवेटिव कुछ लेके आ रहे हैं जिससे पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। गजर टाइम प्राण जीवन एकेडमी स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पिछले दिन स्कूल में हुए वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले 120 प्रतिभागी बच्चों को पुरस्कृत किया गया। समारोह में मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं दी, साथ ही स्कूल प्रबंधन को भविष्य में यथासंभव मदद करने का भरोसा दिया। समारोह में विभिन्न सामाजिक संगठनों में इनर व्हील आशय ग्रुप वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को भी आमंत्रित किया गया था। आज के इस कार्यक्रम में उन सामाजिक संगठनों को आमंत्रित करने के पीछे का मकसद भी यही है कि वे स्कूल में संसाधनों की कमी को जाने और उसे पूरा करने में स्कूल की मदद करें। ऐसे में स्कूल प्रबंधन सामाजिक संगठनों से उम्मीद करती है कि वह अपना पूर्ण सहयोग विद्यालय के विकास में देंगे। ये एक वार्षिकोत्सव इनका था और खेलकूद के भी कार्यक्रम हुए थे जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और प्लस आने के बाद जो हम लोग इस स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए पिछले एक साल से सोच रहे थे उसमें कुछ अड़चन आई है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है। जितनी भी स्कूलें हैं धनबाद में सारे हमारे बच्चों की भविष्य हैं और स्कूलों पर एक अच्छी नज़र डालने की ज़रूरत है और हमारा DMFT फंड है धनबाद में, पैसे की कमी नहीं है और उस DMFT का फंड पाने के बाद केवल और केवल पूरे धनबाद में शिक्षा पे ही लगना चाहिए जिससे कि यहाँ के बच्चे अपना पचरम लहरा सके। ह्यूमन हेल्पिंग राइट फाउंडेशन के सहयोग से बच गई 40 वर्ष से नवदीप दी की जान। राजनगर प्रखंड के एदल पंचायत अंतर्गत बरसी साई गांव में पिछले 3 महीने से एक गरीब असहाय नवदीप दे नामक व्यक्ति जो बैलगाड़ी से धान खेतों में ला रहे थे उसी दौरान बैलगाड़ी से गिर पड़े और उनके कंधे की हड्डी सरक गई, जिसके बाद वह टाटा मेन हॉस्पिटल में इलाज कराने गए जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के लिए 5 लाख खर्च बताया, लेकिन वह इतनी बड़ी राशि वहन नहीं कर सकता था। इसी कारण वह रांची स्थित रिम्स में जाकर भर्ती हो गया। वहां भी डॉक्टरों ने 3 महीने तक यूं ही रखा और ऑपरेशन करने में आनाकानी करने लगे। वहीं जब इनकी जानकारी हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन संस्था के सदस्य को मिली तब उन्होंने उस लाचार पड़े नवदीप दे की मदद करने के लिए सामने आए और हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स के युवाओं के भरपूर प्रयास से नवदीप दे की जान बचा ली गई। देखिए 3 महीना पहले उन्होंने बैलगाड़ी में वो आपका धान लेकर के जा रहा था तो अचानक वो गिर गया, गिर जाने से उसका हड्डी टूट जाने से नस दब गया तो फिर उनको तुरंत TMH में एडमिशन कराया गया, लेकिन TMH में बोल दिया कि 5 लाख रुपए इसके खर्चा होगा ऑपरेशन में, तो ये गरीब परिवार के हैं तो इसीलिए इन्होंने नहीं सका ऑपरेशन कराने, तो इनको तुरंत रांची के रिम्स में रिफर किया गया। तो वहां पे भी लगभग 3 महीना रहने के बावजूद डॉक्टर ने किसी तरह से ध्यान नहीं दिया, लेकिन ह्यूमन हेल्पिंग राइट फाउंडेशन के द्वारा इन पर सरकार की ओर से दबाव दिया गया कि इनको जल्द से जल्द ऑपरेशन किया जाए। तो फिर हम लोग डायरेक्टर को, रिम्स के जो डायरेक्टर हैं उसको लेटर लिखे, उसके बाद वहां से सीधा CM ऑफिस को फोन किए और CM से भी बात किए हम लोग, तो फिर वहां से 3 दिन के अंदर ही CM ऑफिस से फोन आया, 3-3 बार फोन आया और उसके बाद इनका ऑपरेशन जल्द से जल्द, मतलब डेट आया ऑपरेशन का, फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। लगभग ऐसे तो पूरे इंडिया में हम लोग का मेंबर्स हैं लेकिन यहाँ पे सरायकेला खरसावां में लगभग 100 मेंबर हैं हम लोग का यहाँ पे। सुशीला फर्नीचर राजनगर के विश्वसनीय फर्नीचर हाउस सुशीला फर्नीचर, 10 वर्षों से ग्राहकों के विश्वास पर खड़े उतरने वाला फर्नीचर हाउस सुशीला फर्नीचर, जहाँ उचित कीमत पर पलंग, सोफे, डाइनिंग टेबल, अलमारी, सिंगल टेबल, आलना आदि उपलब्ध है तथा ग्राहक अपने मनचाहे डिजाइन के भी फर्नीचर बनवा सकते हैं। यहाँ कुशल कारीगरी द्वारा लकड़ी की फर्नीचर तैयार की जाती है। हमारा पता उड़ाव कॉम्प्लेक्स राजनगर थाना के समीप जिला सरायकेला खरसावां। हमारा फोन नंबर 8092349768 एवं 9110075791।